हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आज हम आ गए हैं अपने 23वें दिन और 23वें शब्द पर। होप सो आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। एक एक वर्ड डेली याद रखना आपको बहुत ही इजी है। और अब हम अपना 23वां शब्द आज करेंगे, तो उससे पहले हम अपने पूरे 22 शब्दों को प्रैक्टिस करेंगे। तो और आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, पहले 22 शब्द, उसके बाद हम करेंगे 23वां शब्द। चलिए फटाफट से हम अपने 22 शब्दों को जल्दी जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो पहला हमारा शब्द है अबेस। बेसमेंट में जाकर किसी को डिग्रेड करना, एब्स्ट्रूस, ट्रूथ को समझना हार्ड है, अंडरस्टैंड करना, एक्लाइमेटाइज, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, अफ्रंट, फ्रंट में ले जाकर किसी की बेइज्जती करना, अलाक्रिटी, चेयरफुलनेस और ईगरनेस, एसीडियस, एज डज हार्ड वर्क, अप्राइज, प्राइज के बारे में इन्फॉर्म करना, बताना, ऑगमेंट, आगमेंट का काम करना, मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज करना, अवारिस, वारिस जो होता है वो ग्रीडी होता है, अकॉर्ड, कार्ड के साथ एग्रीमेंट करना, अमनीशिया, आई मीन टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, अबेट, वेट को रिड्यूस करना, अपीज, इजी पाकर, पैसिफाई हो गया है, एक्मे, लैक्मे क्रीम हाईएस्ट पॉइंट पर, एसिनाइन, 9S फुलिश है। इसके बाद एमिल्योरेट, अमूल के रेट जो है वो इम्प्रूव हो गए हैं। इसके बाद होगा अल्टरकेशन, ऑल्टर कराने के लिए हम लड़ाई करके आते हैं। ऑल्टरकेशन के बाद हो गया एड्रॉइट, एड्रॉइट करने के लिए आपको स्किलफुल होने की ज़रूरत है। अभोर, वोर से हम लोग नफरत करते हैं। एडमोनिश, मनीष ने ऐड के लिए हमें डाटा। एंकोराइट, हमारा एंकर संत है। एनिमोसिटी, एनिमो की सिटी है मेरे घर के पास, मतलब दुश्मनी। हो गए 22 वर्ड्स कंप्लीट, ठीक है। एंड देखो, आपको आगे पीछे हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ट्राई करिए कि आप ये सारे शब्द लिखने की कोशिश करें, इनको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप पीछे का मेमोराइज करते रहोगे उतना ही चांसेस होते हैं कि आप उन शब्दों को कम भूलोगे, ठीक है। तो जितना आप डेली की डेली मेरे वर्ड्स ना देख कर आप खुद से लिखते रहिए, फिर उसके बाद मैच करिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी और आपको ये वर्ड्स हमेशा लॉन्ग लास्टिंग आपको याद रहेंगे, ठीक है। मैं ये शब्द कहीं से देख कर नहीं लिखती हूँ, ये शब्द जो मुझे याद आते जाते हैं, क्योंकि अब मेमोरी इतनी ज़्यादा हो गई इनको याद करते करते कि अब ये फटाफट से आपको आते रहते हैं माइंड में कि हाँ, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसका मीनिंग ये। इसी तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इसी तरीके से सारे शब्द याद होते रहेंगे, ओके। तो चलिए अब हम चल करते हैं आज का अपना 23वां शब्द। तो दोस्तों, आज का हमारा 23वां शब्द है एब्स्टिनेंस, ठीक है। एब्स्टिन, एब्स्टिनेंस का मीनिंग होता है रजिस्टिंग फ्रॉम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मींस स्पेशली अल्कोहल के बारे में यहाँ पर बात होती है, ठीक है। अल्कोहल के बारे में हम बात करते हैं, और इसके सिनोनिम्स हम लोग बात करेंगे तो चेस्टिटी और रिस्ट्रेंट, मॉडरेशन, सोबरिटी, ठीक है, एक्सेट्रा। एब्स्टिनेंस का हिंदी में मीनिंग है परहेज करना, परहेज करना, ठीक है। तो एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है, रजिस्टिंग फ्रॉम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग स्पेशली एल्कोहल। जो बंदा एल्कोहल से या फिर ड्रग्स से और सेक्स वगैरह से, इन ऐसे कामों से जो दूर रहता हो, परहेज करता हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं एब्स्टिनेंस, ठीक है। परहेज करना या फिर दूर रहना, दैट इज़ उनको रजिस्ट करना, उनको मना करना, दैट इज़ एब्स्टिनेंस, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर रजिस्टिंग, ठीक है, या फिर रिस्ट्रेन मतलब उनसे दूर रहना, उनको रजिस्ट करना, मना करना उन चीज़ों के लिए, ठीक है। और इसको की याद रखने की है, एब्स्टिनेंस में एबसेंट आ रहा है, सिंपल बस इतना ही आपको याद रखना है, एबसेंट, ठीक है। एबसेंट रहना मतलब ऐसी चीज़ों से, जैसे मान लो सिंपल आप याद रखना, एबसेंट रहना पार्टी में से, मतलब पार्टी में मोस्टली हम लोग, पता है हमें कि अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करी जाती है, तो यहाँ पर इसलिए हमने इसका मतलब बनाया है एबसेंट फ्रॉम पार्टी, ठीक है। मोस्टली मतलब आपको सोच के चलें कि पार्टी में जो है हम लोग ज़्यादातर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो आपको रजिस्ट करना है अल्कोहल से, आपको दूर रहना है, परहेज करना है, दैट इज एब्स्टिनेंस, ठीक है। एब्स्टिनेंस में एबसेंट का एक आपको वर्ड सुनाई दे रहा है, तो इसलिए हमने इसको एबसेंट, इसका रूट वर्ड बनाया है, एबसेंट रहना पार्टी में से, जिससे कि आप लोग ड्रिंकिंग, ईटिंग, इन सबसे आप दूर रह सको, अल्कोहल और ड्रग्स से खासकर आप दूर रह सको, ठीक है, दैट इज एब्स्टिनेंस, ठीक है। तो दोबारा से एक बार एक मतलब बता रही हूँ, एब्स्टिनेंस का मतलब होता है शराब, ड्रग्स,
या सेक्स, ऐसी चीज़ों से दूर रहना, परहेज करना इन सब का, ठीक है, रिस्ट्रेन करना, मना करना इन सब चीज़ों को। इसके कुछ मैंने आपको यहाँ पर सिनोनिम्स बताए हैं, ठीक है। इसमें से ये रेस्ट्रेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोबरिटी भी इंपॉर्टेंट है इनके सिनोनिम्स में। और उसका की हमने याद रखा है कि एबसेंट रहना, एबसेंट रहना पार्टी वगैरह में जहाँ पर अल्कोहल या ड्रग्स हम कंज्यूम कराई जाती है, तो एबसेंट, एब्सटिनेंस में एबसेंट का एक वर्ड आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका की एबसेंट बनाया है, ठीक है। अब इसका हम एक सिंपल सा एक यूज़ लिखेंगे, माई फ्रेंड हैज़ टोटल एब्सटिनेंस फ्रॉम लिक्वर नाउ डेज, ठीक है। आजकल मेरा दोस्त जो है वो शराब वगैरह से बिल्कुल परहेज करता है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, परहेज करना या फिर दूर रहना, ठीक है, बिल्कुल दूर रहता है लिक्वर शराब वगैरह से, आजकल मेरा दोस्त बिल्कुल दूर रहता है, दैट इज़ एब्सटिनेंस, ठीक है। इसलिए इसका दूसरा मीनिंग हम यहाँ पर दूर रहना या फिर मना करना, ये इसके मीनिंग्स में इंक्लूड हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये था आज का हमारा 23वां शब्द एब्सटिनेंस, और मीनिंग्स आपको बनाने हैं। और अब हम मिलेंगे कल 24वें शब्द के लिए, जब तक इस वर्ड को आज पूरे दिन याद रखते रहिए। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे अपने 24th वर्ड के लिए।